करवा चौथ के अलावा हमारे देश में पति की लंबी आयु के लिए कई व्रत महिलाएं रखती हैं। इनमें से एक व्रत है हरतालिका तीज। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तीज को सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज के रूप में मनाती हैं। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम को अन्न और जल ग्रहण करती हैं। आइए जानते हैं हरतालिका तीज के विशेष महत्व और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, हरतालिका तीज बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत का दिन है, पूजा अर्चना करने का दिन है। शिव और पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। मुहूर्त है सुबह 6:15 से लेकर 8:42 तक का। इस शुभ मुहूर्त में आप पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले शिव और पार्वती जी की पूजा आराधना करते हुए उनकी प्रतिमा को स्थापित करना है और साथ ही साथ गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना है। पूजा आराधना करनी है और व्रत करने के लिए संकल्प लेना है। मन में संकल्प लेना है कि हम आज व्रत रखेंगे और माता गुजरी जी पर सिंदूर चढ़ाकर जो भी सुहागन स्त्रियां हैं अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाएं और हलवे का प्रसाद भोग के रूप में प्रभु को अर्पित करें और उसके पश्चात खुद प्रसाद ग्रहण करें। तो इस प्रकार इस दिन पूजा अर्चना करने का महत्व होता है। और यदि आप व्रत रखना चाहें तो इस व्रत में आपको निर्जला व्रत रखना है। पूजा आराधना करनी है, मन से पूजा करें, श्रद्धा से पूजा करें, लेकिन आपको जल भी ग्रहण नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है या आपकी मैरिड लाइफ में तकलीफ है या दिक्कतें हैं या अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करना चाहती हैं तो आप हरतालिका तीज का व्रत जरूर रखें। इस व्रत का पारण करने के लिए ककड़ी के साथ में इस व्रत का पारण किया जाता है। और आप यदि बीमार हैं या वृद्ध हैं या यदि व्रत नहीं कर सकती हैं तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि व्रत करना है, प्रभु तो सब जानते हैं। तो आप व्रत की कथा ज़रूर सुने, पूजा आराधना ज़रूर करें ताकि आपका आपकी ये जो पूजा है वो सफल ज़रूर हो जाए। तो हरतालिका तीज इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पार्वती जी ने कई वर्षों तक, कई जन्मों तक शिव की पूजा आराधना की ताकि शिव उन्हें प्राप्त हो सकें। तो उन्होंने सबसे पहले इस व्रत को रखा और उसके पश्चात बहुत सारे लोग इस व्रत को रखने जा रहे हैं। तो 12 सितंबर का खास दिन है, आज का दिन बहुत ही खास दिन है, आज के दिन इस व्रत को जरूर रखें आप। तो अगर आप हरतालिका व्रत से जुड़ी मान्यताएं मानती हैं या व्रत से जुड़े आपके सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हर जानकारी के लिए अभी से ही एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।